Garuda Express, an international courier service. You'll get occasional notifications. To get all, tap the bell. ये है मेरी हानिकारक बीवी, ये नसबंदी के ऊपर है, वसेक्टिमी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। एंड एक सीरियस टॉपिक को हम एक लाइट हार्टेड तरीके से लोगों को पेश करने वाले हैं। ओके, जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया था, इस स्टोरी के बारे में बताया, तो आप सबके क्या क्या रिएक्शन थे? वेल, मुझे पहले मैं श्योर नहीं थी, बिकॉज कुछ ऐसा ही कैरेक्टर मैंने किसी और चैनल के लिए किया था, एंड आई वाज़न्ट श्योर कि मैं वही करूँ, कुछ और अलग करूँ, क्या करूँ। बट सोनाली जाफर जो हमारी प्रोड्यूसर है, मयूरी जो हमारी क्रिएटिव है, उनको मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो आई वेंट विद दैट एंड आई डिसाइडेड टू डू इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ब्रिजेश पांडे का जो है बीपी, तो ये कैरेक्टर है जिसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। ये फनी भी है, ये कमीना भी है, ये रुलाएगा भी, ये हंसाएगा भी, तो ये सब कुछ इसमें, मतलब कॉमेडी विलेन वैम्प, कोई एक वर्ड मुझे सोचना पड़ेगा है ना, नया वर्ड ऐसे लोगों के लिए, हस्बैंड। जब मुझे पता चला इसके बारे में, आई वाज लाइक वाओ, मेकर्स और चैनल बोल्ड है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, क्योंकि ऐसे टॉपिक को छेड़ना, कंसिडरिंग इंडिया यू नो इट्स सच अ टैबू टॉपिक वैसेक्टमी, तो आई वाज गेम ऑन, लाइक बैंग ऑन। एंड मैंने जब कैरेक्टर सुना, मुझे जब सुनाया गया एंड लाइंस दिखाई गई, तो आई वेंट बर्जर्क, आई फ्रीक्ड आउट, मुझे इतना अच्छा लगा ये कैरेक्टर, एंड देन आई गॉट कोस्टार्स व्हिच आर फैबुलस। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने पहले ऐसा कुछ ऐसा किया था, बट डेफिनेटली ये कुछ ज़्यादा ही वो थोड़ा लाइट हार्टेड था, लेकिन ये जो है ये इसमें ड्रामा भी है, इमोशंस भी है,
लैंग्वेज के ऊपर मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ा सिंस इट्स अ यूपी बेस्ड, मेरा कैरेक्टर जो है वो यूपी बेस्ड है, सो आई हैड टू रियली फोकस ऑन माय लैंग्वेज. अभी भी थोड़ी दिक्कत होती है बट आई थिंक एक 8-10 एपिसोड के बाद हो जाएगा. नहीं, मेरे लिए बड़ा आसान था बिकॉज देखो मैं 17 साल से हस्बैंड हूँ. बीवियों को झूठ बोलना, उनको मैनिपुलेट करना, कैसे बीवियों को, बीवियों को, मेरी बीवी को नहीं बोलना. एग्जैक्टली. तो इट्स अ फन कैरेक्टर एंड ये जो है बहुत सारे मर्द ऐसे हैं और बहुत सारे मर्द ऐसा बनने का सपना देखते हैं. तो इट इज अ कैरेक्टर जो पीपल आर गोइंग टू लव टू हेट. चांस मिले तो हर बंदा ऐसा ही होना चाहेगा, वाओ दो बीवियां, एक इंडियन एक वेस्टर्न, किसको नहीं चाहिए. सो इट्स अ नाइस हैव योर केक एंड ईट इट टू. सो वो हर लाइक आई एम सेइंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. सो करने में जो मजा आ रहा है बिकॉज हर सीन में एक अलग शेड का, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, यहाँ पे झूठ, वहाँ पे झूठ, यहाँ पे यू नो. तो वो कभी रोता है, कभी हंसाता है. तो टू वर्क ऑन द कैरेक्टर बिकॉज ये कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स है ना, तो एक आपको सुर पकड़ नहीं सकते. बट वो जो पति है, बस पति का पकड़ के चलो तो निकल जाऊंगा मैं. मुझे तो मेरे हस्बैंड से आप बात करोगे तो कहेंगे कि ये है ही ऐसी बंदूक की गोली ठाए ठाए. तो मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, आई एम अ वाइफ एंड आई एम प्लेइंग दैट वेरी वेल. किस तरह का वर्ड एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट है जो मेडिकल साइंस है यू नो. तो लोग जब आई ऑपरेशन का बोलते हैं या हार्ट ऑपरेशन का बोलते हैं तो इस चीज़ का क्यों नहीं बोलते, नसबंदी का क्यों नहीं बात करते हैं, वसेक्टी में क्यों नहीं बात करते, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट पार्ट यू नो. बट वो एक मेडिकल साइंस है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक एक्सेप्टेबल चीज़ है एंड एक इंडिविजुअल चीज़ है. लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो जिसका ये एक सोल्यूशन है. सो इट इज़ नॉट, हाँ हमारी कंट्री में इसको टैबू माना जाता है बट आई एम श्योर बाहर की कंट्रीज में इतना टैबू नहीं है. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. और पहले कॉन्डम और इन सब चीज़ों के लिए भी शर्म लगती थी बट अब इट्स नॉर्मल, उसकी एड्स बनती हैं. थोड़ी टाइम में अगर भगवान करे हमारे शो के थ्रू वी कैन ओपन द विस्ता फॉर पीपल इन देयर हेड एंड उनकी भी वैसेक्टमी हो जाएगी. तो वैसेक्टमी इज नॉट सच अ बैड थिंग. हां, सो टू प्रूव अ मैन इज अ मैन. सो आई थिंक ये शो के जरिए अगर एक आदमी का भी सोच, मतलब हम 10,000 या लाख के नहीं, एक आदमी की सोच भी अगर चेंज हो जाती है तो आई थिंक इट इज़ अ जॉब वेल डन एंड क्रेडिबिलिटी टू द चैनल, टू द प्रोड्यूसर्स जो एक ऐसा शो लेकर आए हैं. कौन सी मूवी? पोस्टर बॉय. हाँ हाँ हाँ. और वो मराठी में बनी थी, सुपर हिट फिल्म थी. एग्जैक्टली. तब जाके हिंदी में बनी ना. अब इस वक्त टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है बिकॉज सास बहू ज्यादा सीरियस देखते हैं. उन्हीं के देखने की बहुत ज़रूरत है इसको, क्योंकि सास अपने बेटे को हेल्प करेगी अगर वो समझती है इस चीज़ को. हम आ रहे हैं रोज़ को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी हानिकारक बीवी. मेरी हानिकारक बीवी, प्लीज वॉच. सारी बीवियों के लिए मैसेज है, एंजॉय इट. इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है, सीरियस टॉपिक है. इट्स गॉट एवरीथिंग दैट यू ऑल वुड लव टू. हम हंसते हंसते आपको रुला देंगे. थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो उसमें शायद ऐसी कोई मूवीज़ बन चुकी है, जैसे कि हाल ही फिलहाल में आयुष्मान खुराना की आई थी शुभ मंगल सावधान. तो कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, लेकिन उसको बहुत ही लाइट हार्टेड एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि किसी की फीलिंग्स को वो हर्ट ना करे. तो ऑन अ सिमिलर बेसिस हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे बंदी की नसबंदी हो जाती है, और ऐसा कुछ टेलीविज़न पे पहली बार आ रहा है. बट एक्चुअली इसको जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को कि एक जो मेल मेंबर होता है परिवार का, उसका काम सिर्फ वंश को आगे बढ़ाना नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो महत्वपूर्ण होती है और वो ज़्यादा मायने रखती है. तो आप शो में देखोगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने रखती है. व्हाट हैपेंड? यस, माइक तो ठीक है ना. व्हाट हैपेंड? एग्जैक्टली.
यस एग्जैक्टली, क्योंकि आई एम सॉरी लेकिन मैंने पोस्टर बॉयज देखी नहीं है मूवी, तो उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा. लेकिन शो को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जैसे एक इंसान को बुखार आता है, उसी प्रकार से ये भी एक तरीके की बीमारी है जो हमें एक खुलकर बात करनी चाहिए. और ये भी दिखाएंगे कि ये जो मेल मेंबर है परिवार का, जो सदस्य होता है, वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जो महत्वपूर्ण होती है उसके लिए. तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक अच्छा मैसेज इस तरीके से देंगे कि ऑडियंस को वो अच्छा लगे. तो मेरे साथ हो रही है इट्स मोर अबाउट मी एक्चुअली. तो मैं ये कहूँगा कि मैं आई वॉज प्रीमच कन्विंस्ड, क्योंकि जब मुझे ये बताया गया था कि इसका जो मैसेज हम ऑडियंस को देना चाहेंगे वो ऐसा मैसेज होगा, सो आई थॉट आई थिंक सो इट्स अ प्रीटी कूल थिंग. और टेलीविजन एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, इस कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं विच इज़ नॉट लाइक एनी अदर यूजुअल कॉन्सेप्ट जो हमेशा चलता है आज तक. तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं टेलीविजन पर, और दैट्स अ बेस्ट थिंग. I was very excited to be the Hanikarak Biwi. So it's a very nice character. Plus, agar story itni interesting hai, plus there's drama, there's romance, there's comedy, and with a social message, to aur kya chahiye? Yeah. Oh, thank God we have a Gujarati AD on set. Plus, he is Gujarati. He is Gujarati. So, I ask him about the accent. And I have a lot of dialogues in my head. And plus, I have this thing that I say, Jobaka. So, starting mein to mujhe problem hui ki, like, kaise bolte, kya hai ye? So, I asked him. He is a very nice, supportive co-actor. No, he is genuinely. So, that's why I ask him. बता देता है. एग्जैक्टली. अनफॉर्चुनेटली मेरी को एक्टर बिहारी नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज. मुझे इस लैंग्वेज से कहीं ना कहीं बहुत बहुत प्यार है. इनफैक्ट यू नो आई डोंट नो व्हाई, आई मीन इट साउंड्स वेरी स्वीट टू मी, सो दैट्स द रीजन आई वाज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली. तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे उस पर, और जबकि हम बनारस शूटिंग के लिए गए थे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर जाने के बाद. तो But it's fun to do this, yeah. They loved it. They liked it. In fact, it's something different we are showing on screen. Or promo jis tarike se dikhaya gaya hai, it's not anything bad in it. It's very sweet, very nice, very humor way ke tarike se usko present kiya gaya hai. So they were pretty happy about it, yeah. There are lots of memories, trust me. In fact, लेकिन बनारस was amazing actually. जो गंगा घाट पर हम शूटिंग कर रहे थे, and I am blessed to be there. In fact, और हम काम के सिलसिले में वहाँ पर गया मैं, और बहुत in fact on a very good occasion. In fact, जब दिवाली समाप्त हुई थी तो उसके बाद ही गए थे हम, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया भी गया था उसको. So lot of things are there actually, yeah. इस शो में आपको एक सबसे पहले तो ये करना चाहूँगा कि ऐसा शो टेलीविज़न पर कभी नहीं आया है. ये पहली बार कुछ ऐसा दिखा रहे हैं हम टेलीविज़न पर. ये एक रीज़न है कि आप इस शो को देखें, और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या ये चीज़ है. और इसको एक बहुत ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट किया गया है. ह्यूमर के साथ साथ इसमें एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा भी है, बहुत अच्छी कहानी है. जो इसका जो मेन प्लॉट है ये बहुत ही अच्छा है. सो आपको पसंद आएगा, और आपके व्यूज़ भी शायद नसबंदी को लेकर चेंज कर लेगी. जो एक मेल मेंबर होता है परिवार का, जो सदस्य होता है, उसका काम सिर्फ वंश को आगे बढ़ाना नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए बहुत मायने रखती है. या लाइक ही सेड, मर्दानगी एक ही चीज़ में नहीं होती कि वंश आगे बढ़ाना है. एंड ये सब एक दिमाग में बिठाया गया है कि ये चीज़ ऐसे होता है, मर्द ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें मर्दानी है एंड ऑल दैट. तो इट्स टाइम टू ब्रेक दैट. लेट्स टॉक अबाउट नसबंदी, लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल. ये तो मैं पहले एपिसोड से ही बोलती रहूँगी मैं इसमें शो में. तो आई फील इट्स टाइम. Let's take a step for it. But we are portraying it in a very fun way. So I feel audience will love it.
Yes, it's coming up on 4th December, Monday to Friday, 10 p.m. on AnTV. For more updates, please like, share and subscribe to YoYo Times.